आदाब नाजरीन, मैं भी बड़ा मकान गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे बिल्डिंग मौजूद है, उसके यहाँ पे कई मसाइल को लेकर मुझे मालूम हुई, तो मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ के मुकामी लोगों से मैं बात करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। यहाँ बहुत संगीन मसले हैं, जैसे दीवारों का गिरना, और यहाँ पे हर चीज़ पेंटिंग से लेकर बुनियादी सहूलियात से लेकर बहुत से तकलीफें। हालांकि हायर प्राइमरी स्कूल मतलब यही स्टार्ट तक यहाँ इजाज़त थी, लेकिन यहाँ के कई मसाइल की वजह से बच्चों को यहाँ कई तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें हम आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा आगे आइए आप। यहाँ देखिए, जो बच्चों को उभारने के लिए जो पेंटिंग्स की जाती है, वहाँ पे ना टाइगर का चेहरा दिखाया जा रहा, ना मोर का है, ना हमारा वीर चक्र है, ना हमारा हिंदुस्तान का कौमी परचम यानी जो फ्लैग होता है हमारा, वो भी बोसीदा हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ कर्नाटक का मैप, और इसी के साथ साथ देखिए गांधी जी की जो तस्वीर, महात्मा कहते हैं हम लोग इसको, सालों से यहाँ पे ना पेंटिंग हुई है, ना मतलब पूरी इमारत ही तबाह हो चुकी है। भीमराव अम्बेडकर रखा हुआ है, या दीगर तमाम मौलाना अबू कलाम आजाद दिखाई दे रहे हैं आपको, जो इसी तरह सुभाष चंद्र बोस हैं और दीगर शख्सियात भी मौजूद हैं। यहाँ पे देखकर हैरत हो रही है कि यहाँ के इस इमारत को एक बोसीदा इमारत में तब्दील किया जा चुका है। और जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ एक रूम में मैंने देखा कि अंदर जाकर तो यहाँ आप देख सकते हैं, बोर्ड पे आप क्लियर जरा थोड़ा दिखाएं, डेट है 16/12/2015, यानी उस वक्त शायद यहाँ पे क्लास चलती होगी। 2015 के बाद यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये इमारत चीख चीख कर अपनी हालत अजार बता रही है। मैं मजीद जानकारी के लिए यहाँ के लोगों से भी बात करने की कोशिश करूँगा। ये बड़ा मकान एक खदीम मोहल्ला है जिसे हर कोई जानता है। यहाँ पे हमें एक यहाँ के स्कूल के बारे में बहुत सुनकर अफसोस हुआ, इसीलिए हम लोग आए हैं। ज़रा तफसील बताइए, क्या मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तनवीर अहमद उर्फ तन्ना। जब भी जितने भी साथ यहाँ खड़े हैं, ये बड़े मकान के मफा में जी, ये बहुत साल से एक हमारा इशू था जी, क्योंकि हमें स्कूल के अंदर पढ़ को ही, बड़े मकान की उर्दू स्कूल के अंदर पढ़ को दूसरे स्कूल में जाने का मौका मिला जी। बचपन से हमारी पढ़ी यहाँ चीज़ है, तो यहाँ को अच्छा एजुकेशन मिलने को था। जरा साल पहले ये बिल्डिंग बहुत ही से गिरने की हालत होगी नीचे जो है वो, तब यहाँ के मकाम जो जिम्मेदार आई उन सब एक दिन बैठ को मुझे मशवरा करे क्या करना बोल को, जिम्मेदार के पास बड़े बड़े गए, तब हमारे रोटरी क्लब के शीला ईरानी जो अब नहीं, अल्लाह उनके रसूल के बाद अल्लाह उनकी जन्नत तौफीक करे, उनकी जन्नत तौफीक करे अल्लाह, उन्होंने बहुत से बहुत हमारे ज्यादातर हमारे मोहल्ले के वास्ते बहुत दोनों ये करे स्कूल के वास्ते, तो नई बिल्डिंग बना को दिए खुद उनके पैसे से। जो सामने वाली बिल्डिंग है वो शीला ईरानी, कितने कमरे हैं? चार कमरे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। पाँच चार में यूज हो रही है, एक ऑफिस के वास्ते यूज हो रहा है, वो दफ्तर के लिए एक यूज हो रहा है। ठीक है, अगर ये ना होती, बना को देखो, अगर ये ना होती तो बच्चे कहाँ जाते हैं? ये काम भी नहीं है, मैदान में पढ़ना हालत हो जाती है। जैसे देख रहे हैं आपको यहाँ बारिश के मैदान हालत में मैदान कैसा है, ऐसा मैदान में पढ़ने की हालत हो जाती थी जी। तो शीला ईरानी जो मरहुमा है उन्होंने अपने खुद पैसा से जाती पैसा से जो स्कूल बना को दिए, इसके अंदर बच्चे तालीम हासिल कर सके, इसके अंदर उन्होंने टेबल्स फैन इलेक्ट्रिसिटी हर एक तरीके से उन्होंने सहूलियत करके इन्वेस्टमेंट करके दिए। उसके बाद जो इसका मामला आया स्कूल का, तब हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार जो खलील साहब सेक्रेटरी साहब, तो उनके पास हमें सब गए नौजवान सब बैठकर बात करे मसले को हल करो ये ऐसा है ना बोलकर बहुत साल से बात कर लगा हमें, हाँ करेंगे फलाने के बाद जाएंगे फलाने के बाद, ऐसा टाइम डिले कर लगे। आज हालत कैसी हो गई है, वो पूरे बच्चे जो एक एक क्लास के अंदर तीन तीन क्लासेस के बच्चे पढ़ने की हालत आ गई है, बहुत बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा हो। अब एक एग्जांपल क्या है कि तो हमें चार दिन एक साथ बात करें तो तुम्हारे दिमाग में नहीं आती कौन क्या बोल रही बोल को, तो एक क्लास के अंदर तीन क्लासेस चलना बोले तो कैसा बच्चा के दिमाग में पढ़ी जाती है वो अल्लाह रसूल जाने। तो हमें इसके वास्ते बहुत ही सिलसिले में व्यू से बात करें सब इंशाल्लाह अल्लाह से, हमारे सरपरस्त निसार अहमद साहब उनकी सरपरस्ती में हमें नौजवान पूरा मोहल्ले के जरा मिल को ले लेको जाको डीसी ऑफिस को, एक मेंडर रूम देखो, एक एक वकपोर्ट को देखो, एक बी ऑफिस को देखो, इसके अंदर क्या है डिमांड क्या है बोला, हमारे स्कूल बड़े मकान की स्कूल पुख्ता होना जी, अच्छी होना जी। तो इसके अंदर और पूरे मोहल्ले के नौजवानों जिम्मेदार साइन कर को ही, और मोबाइल नंबर भी डाल को ही, ये ऐसा इशू नहीं किसी भी आप पे कॉल कर को ये क्या वास्ते साइन करें बोले तो मोहल्ले की स्कूल की इम्प्रूवमेंट के वास्ते बोलते, तमाम की फिक्र है कि स्कूल को स्कूल से बचाया जाए। देखो ये बड़े मकान की हमारे स्कूल की हालत, हर एक को हमें
का डॉक्यूमेंट देखो ही जी, हर एक को जी जी जी, एक 9 पेजेस का एक फाइल है पूरी है जी, तो पूरे देखो ही। तो यहाँ क्या होगा, तो पहले बोलते हैं वकबोर्ड वाले वकबोर्ड बचाओ जी, प्रॉपर्टीज को ये वो बोलती है, और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी। अब कहाँ तक सही है ये मालूम नहीं, क्यों बोले तो हमारे मोहल्ले के अंदर पूरा गरीब इलाका भाई को बच्चे बहुत से ही, ये स्कूल यहाँ घट नहीं होने की बुनियाद पर स्कूलों में नहीं जा रही, किसी जगह नहीं जा रही, घर के अंदर ही बुढ़िया का अगरबत्ती का काम कर ले को बैठ कोई। हमारी एक डिमांड क्या है, एसएलसी तक कम से कम गर्ल्स के वास्ते ऊपर जगह भी है, आरसीसी घट है वहाँ भी बन सकती है आपको, ऊपर भी यहाँ भी है जगह। हमारी एक डिमांड क्या है, एसएलसी तक गर्ल्स के वास्ते, खासकर हमारे मोहल्ले के गरीब इलाका है तो उनके वास्ते स्कूल बनो बोल को एक हमारा डिमांड चल रहा है। अच्छा, बीओ ने क्या कहा, मतलब यहाँ क्या मसले, तो उन्होंने क्या बोलती है, बोले तो ये वकबोर्ड प्रॉपर्टी है जी, तुम्हें हर माह 40 पर 3,000 चिल्लर तुम्हें रेंट दे रही, रेंट दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कम से कम एक 98 से दिया जा रहा है, अब तक भी दिले को जा रही है, हर महीना आ रहा है। तो उसका यूज वो कमेटी को मालूम है जो इसके जिम्मेदार थे पहले, जो हमारे मोहल्ले के सेक्रेटरी खलील भाई उर्फ रहमान, रहमान उर्फ खलील भाई, तो उनके ऊपर हैंडर में आता है, उनके पास है, तो उन्होंने देना इसके बारे में डिटेल से क्या हुआ पैसा इसका क्या करे बोलो, तो उनकी जिम्मेदारी। मेरे हाल तुम्हारी फिक्र ये है कि जो जिसका वक्फ बोर्ड का जो अल्लाह ताला की जमीन होती है जो वक्फ की जाती है उसका अगर सही इस्तेमाल ना हो तो ये बहुत अफसोस की बात है। सर आप बताइए, क्योंकि तजुर्बा कर रहे हैं सब, इसे पूरे जने कोशिश करको ही, एनआर के एमएलए साहब भी कोशिश करको, इसे उनके डिपार्टमेंट से एजुकेशन डिपार्टमेंट से 20-21 लाख चिल्लर रुपए सैंक्शन भी करा को, ये बिल्डिंग की बात है। अच्छा, जब सैंक्शन करा को, जब वक्फ की प्रॉपर्टी तुम्हें रेंट क्लियरिंग करके बोले वस्तान से, गवर्नमेंट जिला पंचायत वाले तुम्हें रेंट लिए वस्तान से, हमारे पैसे तुम्हें यूज कर सकते नहीं, तुम्हें यूज करने का रहता हमारा लैंड बिको दयालो करके बोल को ही, उसके वास्ते वो खोड़ गए 1990 से, अब फिल वक्त 40 पर 3,860 रुपये हर महीना इसे गवर्नमेंट से रेंट भाड़ा बन रही। ये उमर शाह कमेटी के नाम पर जा रहा पैसा, ये सभी उन्होंने ये जो भी बिल्डिंग का जो भी यहाँ तुम देख रही स्ट्रक्चर, ये जो पुरानी बिल्डिंग है उनका नाम क्या है, रहमतुल्लाह साहब, उन्होंने बनकर देखो हिस्सो जो नई बिल्डिंग देख रही है, जावा फैक्ट्री के ईरानी के मिसेस बनकर देखो हिस्सो, और इनके साथ पूरा मोहल्ले वाले ताउन कर को ही साथ देखो ही। मगर यहाँ वकबोर्ड का पैसा होंगे या गवर्नमेंट का पैसा होंगे, स्टेट गवर्नमेंट का, इससे कौन सा भी फंड आपको भी नहीं है, कुछ भी क्या भी आपको नहीं, क्या भी आपको नहीं, खुद ये कमेटी जो इसके बारे में क्या सीरियस ले को है क्या कर को है हमना इसके बारे में मालूम नहीं, और गवर्नमेंट से यहाँ 7 टीचर भी देखो ही, मगर बच्चे 2007 में 600 बच्चे थे, आज 90 को 7 बच्चे ही, 4 क्लास हैं, 100 क्लास में 1-2-3 पढ़ा रही, 3-4 क्लास ऐसा पढ़ा रही, बच्चे को समझ में नहीं आने का, उसके वास्ते अब हमें मोहल्ले के जिम्मेदार क्या करिए इसके बारे में बाहर हमें निकले, अब हमना मालूम हो रहा है ये सभी सच्चाई क्या करके बोल को। मेहरबानी से मैसूर के तमाम अवाम से चाहती गवर्नमेंट उर्दू प्राइमरी स्कूल को बचाओ, बड़े मकान की बचाओ, स्लमी एरिया गरीबा का एरिया, ये बैको बच्चे पढ़ने की जगह, ये 1 से 8 तक है, और 9th और SLC भी इधर ही बना को देने के वास्ते, फर्स्ट PUC सेकेंड PUC के वास्ते भी हमें डिमांड करती, हमें सब जने हमारा साथ दियो, ये उन्होंने जो कौन करी वो उसके बारे में हमने क्या भी इसके उसके बारे में बहस करने की जरूरत है, हमें जो पुरानी बिल्डिंग है जो उसे डिमालिश करके नई बनाना। सर भी इस हल्के के MLA हैं, तमिल से एजुकेशन मिनिस्टर भी लगे हैं, उनसे मिलकर ये बताया था, उन्होंने बोले उन्होंने क्या करके मेरे फंड में मेरे वक्त में पैसे सैंक्शन कराया था, अभी उस वहाँ क्या भी हमने भी हिसाब किताब बारा नहीं, कल भी उनको जाकर हमें बात करे, ईद के बाद मैं मिलता हूँ तुमने इसके बारे में बात कर दूँ, कल भी उन्होंने यकीन दिला के बात करे। ठीक है भाई, आपका नाम क्या भाई, वक्कल अब्दुल्ला, यहाँ वाले स्कूल में पढ़े सो, बड़े मकान वाला स्कूल जी, बोलो क्या मतलब क्या अभियान जो हालत सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, जब शिला ईरानी बने थे स्कूल ये, उन्होंने हमने पूरे टोटल है ना 5 कमरे उनको दिए, 5 कमरे में 1 कमरा हमना ये ऑफिस के वास्ते यूज हो रहा, बचत के जो पहली से यही तक है जो स्कूल बचत के कमरे हैं कि इस्तेमाल में थे वो, उसका भूति चुस्की हालत जी 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 जी, उसकी ये वो टेम्पो चलते थे वो, जब उन्होंने बिल्डिंग बंद कर दी हमना यहाँ भी रनिंग में थे वो, मगर उसके बाद जैसा जैसा वक्त गुजरा उसकी वो बिल्डिंग जो थी मेंटेनेंस ना होने की वजह से पूरी ये हालत होगी, ये वजह से अब क्या प्रॉब्लम आया, तो यहाँ सो पहली से यही तक है यहाँ, मगर कमरे 104
पूरे बच्चों में क्लास में दो दो तीन तीन क्लास के बच्चों को ठोसकर पढ़ा रही। अच्छा। अब हमने जगह भी नहीं है, जगह है मगर बिल्डिंग की हालत इस्तेमाल में नहीं है। तो मैं तमाम वार्ड के जिम्मेदार से और बीओ के जिम्मेदार से गुजारिश कर रहा हूँ, मतलब जल्द से जल्द हमें एक अच्छी ये स्कूल के वास्ते सहूलत कर दो। मैडम आप अपना नाम बताइए और पूर्व नर्सरी क्या क्या है बताइए। वालेकुम अस्सलाम। मैं नर्सरी है गवर्नमेंट। आपका नाम? मेरा नाम फरकुंदा जी। मैं हूँ नर्सरी की जी। मैं ये स्कूल जो है आप लोग तो देख चुके हैं जी जी, पूरा टूट कर पूरा डेमोलिश हो गया वो जी जी। और मेरी क्लास जो थी मैं खास अपना हाथ साथ साथ करके वो रेडी करके बच्चों को स्कूल चला रहे हैं। मकसद आपका बच्चे कैसे भी पढ़े, ये मकसद जो है ये मोहल्ले के बच्चे जो है गलियों में कुत्ते जी जी जी, हमें नर्सरी चल रही है। अच्छा, कितनी स्ट्रेंथ है मैडम? 38 है। लास्ट ईयर कितनी थी? सेम। उसमें क्या भी कमी नहीं है? नहीं, कमी नहीं। तो मतलब इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे गरीब होने के बावजूद बच्चों को पढ़ने की दिलचस्पी है। वालिदैन को इतनी खुशी है कि स्कूल में बच्चे भर्ती होना अच्छा पढ़ना करके ना जी 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 अच्छा चाहिए उनको। तो आपकी क्या मांग है मैडम? हमारा भी क्या है, हमें भी मेहनत करके आके तो पढ़ाते हैं, टीचर जी भी अच्छे से एजुकेशन देते हैं जी, अच्छा पढ़ते हैं जी जी। नहीं, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, आप अपने खर्चे पे रूम बनाए बोल रहे हैं, लेकिन ये इमारत देखते हुए डर हो रहा है कि कहीं की गिर ना जाए। नहीं नहीं, वो तो बहुत मजबूत है ना हमें जी। वो जो आप बनाए हैं एक कमरा, उसकी बात कर रहे हैं आप जी? मतलब उसके लिए भी तैयार हैं आप, लेकिन जितना जल्द हो जी यही है ना। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। My name is Shanta Kumari. So you are the headmistress? Yeah, I'm working as a headmistress here. Higher primary school. Higher primary school. Okay. From 1st to 8th standard we are having here. Okay. We have more than 100 children in this school. But what about the basic amenities and this one? It's very poor, sir. You say it's very poor. Yeah. Now 47,000 or rent kodtagidi. But 1 to 8th era class na ella combined maadi one bari 4 rooms matra chenagide. ಯಾವುದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲಿಯೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ? ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಈಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ವೆರಿಫೈ ಆಗಿದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಬಡ ಜನ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ಸ್ಗಳಂತೂ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ತುಂಬ ವರ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿದೆ ಡಿ ಸಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಓ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಂದ, ಆ ಥರ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೀವು ಬರೆದು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಚುಗಳು ಯಾವ್ದು ಸರಿಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ವೆರಿ ಡೇಂಜರ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೂತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಎತ್ತ ಹಾಕಿ ಚೀಲಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಅಡುಗೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾಳೆ ಇದೇ ತರ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಾಣ ಕಪ್ಪಾ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಹೀಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಡಮ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಂದನು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಯಾರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅವರೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು, ಹಾಗೇನೆ ಅಡುಗೆಯವರು ಅಷ್ಟಿಲ್ವಾ ಅವ್ರನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ, ನಾವು ರೆಂಟ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೀ ನಾಲ್ಕು ರೂಮ್ಗೆ 47,000 ನಂಗಾಗೋಯ್ತೀಗ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ
ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂನ ಮುಚ್ಚೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಬರೀ ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು, ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಉರ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಉರ್ದು ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಪ್ರೇಟೇ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಮ್ಮೇ ಮುಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಇರಲಿ, ಮಕ್ಕಳು ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂಲ್ಲಿ ಓದಲಿ, ನಂತರ ಅವರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. نظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یقیناً یہ بات جس نے بھی دیکھی ہو اپنے دل میں افسوس ضرور کرتا ہوگا. جہاں پہ ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں مذہب اسلام میں تعلیم کو اتنی اہمیت دی گئی ہے, لیکن اصل میں یہاں پہ اتنے مسائل ہیں جس کو بیان کرنا مشکل ہے. لیکن آپ آنکھ میں دیکھا حال تمام آپ نے دیکھا ہے, اور یہاں کے لوگ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں پہ غریب طبقہ ہونے کے باوجود بچوں میں اتنی دلچسپی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انہیں سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں. اب ان ذمہ داران کو اس چینل کے مادھیم سے یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ کہاں ہیں اور کس لیے یہ اب تک جو لاپرواہی برتی گئی ہے وہ کس لیے برتی گئی ہے, اس کا جواب دیں. میں صفدر خیسر عاصم کے ساتھ, السلام علیکم.